अस्सलाम वालेकुम बेटू, रफियान साहब, उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और सेफ होंगे अपने घरों में। आज का हमारा टॉपिक है वो भी शेप्स के रिलेटेड ही है। आज हम तीसरा लेक्चर है जो शेप्स के ऊपर हम कर रहे हैं। आप बच्चे बोर तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन बच्चे ये थोड़ी सी शेप्स जो हैं ये हम ग्रेड सेकेंड टू से जब आप ग्रेड वन में प्रमोट हुए हैं तो ये शेप्स थोड़ी चेंज हो गई थी। अब हमने लेक्चर्स में हमने देखना था कि शेप्स को ड्रा कैसे करना है, बनाना कैसे हैं, लाइन्स कौन कौन सी होती हैं, लाइन्स के नाम कैसे होते हैं। तो जब ये नई चीज़ें किसी नई क्लास में आती हैं तो हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाना पड़ जाता है। तो आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको, तीसरा दिन है शेप्स के ऊपर लेक्चर लेते हुए। तो आज भी हम शेप्स के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा चेंज करवाऊँगी कि कल हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेप बनाई थी। ट्राइंगल ले लेते हैं, लाइन वन, लाइन टू एंड लाइन थ्री, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइंगल। आज मैं स्प्रेड से इसलिए कवर करवा रही हूँ क्योंकि तीसरा दिन है शेप्स के ऊपर बात करते हुए, तो आपको शेप्स के नाम भी याद हो चुके होंगे, शेप्स को ड्रा करना भी आ गया होगा और उनके नाम भी आपको अच्छी तरीके से माइंड में बैठ चुके होंगे। तो मैं आपको एक नई बात बताने जा रही हूँ कि ये शेप जो हमने ड्रा की है ये है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जब हमने ड्रा करनी है, मैं अगेन यहाँ पर ड्रा करती हूँ, लाइन वन, ये लाइन टू। अब लाइन वन एंड लाइन टू कहाँ पर ज्वाइनिंग इनकी हो रही है, यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, एंड लाइन थ्री यहाँ पे भी ज्वाइनिंग हुई है और यहाँ पे भी ज्वाइनिंग हुई है। इसका मतलब है कि थ्री कॉर्नर्स के ऊपर थ्री लाइन जब मिलती हैं तो उनकी थ्री ज्वाइनिंग पॉइंट्स भी बन जाते हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को कोई नाम भी तो देना है। इस पॉइंट्स का नाम क्या होगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कि जब दो लाइन्स किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, वी ई आर टी ई एक्स, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कि जब दो लाइन्स किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब हम शेप टू की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम स्क्वायर ड्रा करने जा रहे हैं, लाइन वन, लाइन टू, अब इनका एक ज्वाइनिंग पॉइंट बन गया है, लाइन थ्री ये वाला भी बन गया है, लाइन फोर, फोर लाइंस को लिया है, जिसका मतलब है कि हमारे पास फोर ज्वाइनिंग पॉइंट्स बन गए हैं। तो उनमें कितने वर्टेक्स आ रहे हैं? वर्टेक्स वन, वर्टेक्स टू, वर्टेक्स थ्री एंड वर्टेक्स फोर। जब एक से ज़्यादा वर्टेक्स आ जाएं तो उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर, सॉरी, जब दो लाइन्स आपस में ज्वाइनिंग करती हैं तो उसको हम पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स एक ऐसे पॉइंट का नाम है जहाँ पे दो लाइंस आपस में मिलकर किसी भी शेप को ड्रा करने में हमारी मदद करती हैं। उस शेप को हम क्या, उस पॉइंट को, सॉरी, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अच्छे से अपने माइंड में रखना है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। वर्टेक्स क्या होता है कि जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अब शेप हमने स्क्वायर ड्रा की है तो स्क्वायर के अंदर कितने वर्टेक्स पॉइंट आए हैं, कितने ज्वाइनिंग पॉइंट्स हुए हैं? वन, टू, थ्री एंड फोर। तो शेप्स के अंदर फोर वर्टेक्स पॉइंट आए हैं। वर्टेक्स की डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइंस आपस में मिलती हैं, ज्वाइनिंग होती है उनकी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आप अपने फ्लैश कार्ड की तरफ आइएगा ज़रा। यहाँ आपको ट्राइंगल और स्क्वायर नज़र आ रहा है और उनके साथ नेम भी लिखे हुए हैं, वर्टेक्स लिखा हुआ है, साइड्स लिखा हुआ है। अब देखिएगा ज़रा कि ये जो पॉइंट है, इसने भी बताया कि जब दो लाइंस आपस में मिलती हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। यहाँ पे साइड्स लिखा हुआ है, साइड्स का क्या मतलब होता है कि जब तीन लाइंस, दो लाइंस या चार लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो जो कॉर्नर वाली साइड्स होती हैं, मतलब कि ये वाली है, ये वाली है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? साइड्स बोलेंगे। जो लाइंस होती हैं उनको हम साइड्स कह सकते हैं, जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ये भी साइड्स है, ये डाउन साइड है, ये लेफ्ट साइड्स है, सॉरी, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है। अपर साइड्स होंगी, लोअर साइड्स होंगी, राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी, तो इनको हम साइड्स का नाम देंगे और जो पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? वर्टेक्स का नाम देंगे। अब हम कुछ शेप को ड्रा करेंगे और आपने उनका नाम भी देना है। ये क्या है? जब इसको ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा और ये हमारे पास शेप्स की ड्रा हो जाएगी। अब मैं शेप्स को ड्रा करने जा रही हूँ, नाम आपने मुझे खुद लिखवाने हैं। चलिए देखिएगा ज़रा इधर,
लाइंस को ड्रा करेंगे, ट्रेसिंग करनी। तो आपने रिसेप्शन टू में रिसेप्शन वन में सीखी है ना, पॉइंट्स के ऊपर आके हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो ये शेप कौन सी बन गई है, इधर देखिएगा ज़रा, इस शेप की तरह की कौन सी शेप है हमारे पास, स्क्वेयर। इस शेप का नाम क्या हुआ, शेप स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास शेप है, ड्रा करें इसको ज़रा, देखिएगा कि कैसे ड्रा कर रही हूँ। अब ये हमारे पास कौन सी शेप बन गई है, इस शेप का नाम है रेक्टेंगल। और ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। अब नीचे आ जाए ज़रा, वन टू एंड थ्री, थ्री स्क्वायर लाइंस मिलकर कौन सी शेप बनाती हैं, ट्रायंगल। वन टू एंड थ्री, थ्री इक्वल लाइंस मिलकर क्या बना देते हैं, ट्रायंगल। तो ये भी थ्री इक्वल लाइंस है, तो उसका भी नाम क्या हुआ, ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रा करके देखते हैं कौन सी शेप बनती है हमारे पास, वन टू थ्री फोर। अब हैं तो ये फोर लाइंस, लेकिन इसमें दो दो लाइंस आपस में बराबर हैं, लाइन वन एंड लाइन टू आपस में बराबर हैं, और ये वाला लाइंस आपस में बराबर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फोर इक्वल लाइंस को मिलकर स्क्वायर बनाती हैं, जबकि टू टू इक्वल लाइंस मिलकर क्या बनाती हैं, रेक्टेंगल। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। अब ये क्या बनने जा रहा है ये देखते हैं, लाइन वन लाइन टू, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लाइन थ्री एंड लाइन फोर। ये फोर इक्वल लाइंस हैं, लाइन वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर, चारों लाइंस आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सी शेप हुई, स्क्वेयर। स्क्वेयर शेप में हमने क्या किया था कि फोर इक्वल लाइंस आपस में बराबर होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेयर। समझ आ गया आपको शेप्स को ड्रा कैसे करने हैं और उनको नाम कैसे देने हैं। एक्साइनमेंट है आपके पास, कलर द ट्राइंगल शेप्स। आपके पास कुछ शेप्स होंगे, आपसे कहा जाएगा कि इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर जो ट्राइंगल शेप्स हैं उनको ड्रा करें। तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल शेप्स हैं, वन टू एंड थ्री। तो आपने जस्ट ट्राइंगल शेप्स को कलर करना है। नीचे है कलर द स्क्वेयर शेप्स, वन टू एंड थ्री। इन चारों पाँचों शेप्स में से आपको स्क्वेयर शेप्स कितनी नज़र आ रही हैं, थ्री, वन टू एंड थ्री। तो आपने जस्ट स्क्वेयर शेप्स को कलर करना है, बाकी शेप्स को कलर नहीं करना। आपका आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।